न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बदलाव का संकल्प, बहन श्रुति चौधरी और अभिमन्यु राव ही विकल्प। मेरा अभिमन्यु मेरा स्वाभिमान, नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से अभिमन्यु राव। दीपावली के बाद आज देश भर के साथ रेवाड़ी में भी गोवर्धन पूजा की भारी धूम मची रही। वहीं शहर के मंदिरों में अन्नकूट के प्रसाद को लेकर की बड़ी कतारें देखी गई। कई मंदिरों में तो भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस तक की व्यवस्था करनी पड़ी। इस मौके पर मंदिर पहुंचे रेवाड़ी के विधायक रणधीर कापड़ीवास ने कहा कि पहले भी गऊओं के संरक्षण की जरूरत थी और आज भी है, क्योंकि गाय ही वह माध्यम है जिसके दूध मूत्र और गोबर से अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलता है, साथ ही वातावरण भी शुद्ध होता है। गौ संरक्षण के मुद्दे के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत का सपना साकार हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर अन्नकूट के प्रसाद को लेकर मंदिरों में कतारें लगी हुई है और लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। पूजन के उस पे अनाज मंडी की तरफ से हर साल एक प्रसाद का आयोजन किया जाता है और ये प्रसाद का आयोजन किया गया है। यहाँ सेक्रेटरी सर्व प्रकाश जी ने, अरविंद जिला उपाध्यक्ष पालीवाल जी जिला अध्यक्ष जी ने यहाँ प्रसाद भगवान को प्रसाद चलाया और बड़े धूमधाम से आयोजन किया गया। प्रसाद लोग ले रहे हैं और ये प्रसाद चलती रहे। हम चाहते हैं भगवान का प्रसाद सभी आदमी ले और मिलजुल के इससे भाईचारा बना रहे। ऐसा कुछ नहीं व्यवस्था पुलिस की, कोई बड़े भक्त नहीं है प्रसाद लेने वाले हैं, इससे पुलिस से तो थोड़ी व्यवस्था बनी रहे, इसलिए पुलिस को बनाना पड़ा का मुक्ति ना हो। आज का इसलिए प्रसाद बनाया जाता है। अब जैसे दिवाली पे हम मीठा खा लेते हैं या पका हुआ खा लेते हैं, तो ये प्रसाद सदियों पुरानी परंपरा चली हुई है भाई। ये कच्चा भोजन खा के और उससे फल का खाया हुआ ठीक हो जाता है। कीर्तन की तो लीला ही न्यारी थी, भगवान तो भगवान ही होता है, उसने तो कुछ भी नए नहीं सारे काम ही नहीं किए। गोवर्धन हमारे देश का बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक त्यौहार है। इस दिन द्वापर युग से ही भगवान कृष्ण के काल से जो गोवर्धन की पूजा भगवान इंद्र के नाम से होती थी, तो भगवान कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए कि सब कुछ कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये उस परम पिता परमात्मा की कृपा है जिससे कोई आदमी महान बड़ा बनता है, उस परमेश्वर की कृपा है। और उस परमेश्वर की कृपा को स्थापित करने के लिए उन्होंने गौ गोधन को श्रेष्ठता दी और गोधन का पूजन करवाया। और वैसे भी आज से कुछ पहले गौ धन भारत की अस्मिता का सवाल था, यातायात का साधन हो, गौ हमारी माता, गौ हमारा वैद्य, गौ हमारा कॉमर्शियल व्हीकल, जो हम लदान भेजते थे वो भी गौ गाड़ियों के थ्रू जाता था, और औषधि तो थी ही थी, डॉक्टर भी वैद्य भी पूजा भी भगवान भी गाय थी, और उस पूजा को स्थापित करने के लिए उस समय की आवश्यकता थी है। और आज फिर से दोबारा से वापस लौटना पड़ेगा। जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से आवश्यकता बढ़ रही है, आज दूध में मिलावट है, गायों की हालत खराब हो रही है, हम केवल पूजा के निमित्त पूजा करते हैं या गोवर्धन मनाते हैं, उसके लिए धीरे धीरे कम से कम ये संस्कार लुप्त ना हो जाएं। और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने संदेश दिया था कि स्वच्छ भारत, आज वो भारत स्वच्छ होने लगा है, सब सफाई की महत्व को समझने लगे हैं। नेता ने निर्देश दिया, भगवान कृष्ण ने एक संदेश दिया था, और आज लोग गौ पालने में रुचि लेने लगे हैं। सबको ये पता लग गया है कि दूध की श्रेष्ठता क्या है।